जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होता है इनमें अंतर क्या है। प्रायः यह बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड में पांच अंतर बताइए, तीन अंतर बताइए, इस प्रकार से तीन नंबर और पांच नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो जैसे मान लीजिए यह कोई पेरेंट है, या कोई पेरेंट है और पेरेंट फर्टिलाइजेशन करने के दौरान यहाँ पर चाइल्ड का निर्माण करते हैं। तो यह मान लीजिए बच्चा है, तो मेंडल दादा ने क्या बताया था कि जो पेरेंट से चाइल्ड में लक्षण को लेकर जाता है उसे बोलते हैं फैक्टर या एलिमेंट। फैक्टर या एलिमेंट बोले थे, तो ये फैक्टर या एलिमेंट को आज के समय में हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये जीन जो होता है यह क्या है, यह न्यूक्लिक एसिड है, यह न्यूक्लिक एसिड है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है यह दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जो डीएनए व आरएनए होते हैं ये दोनों मिलकर के बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड से मिलकर के ये बने होते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोसाइड जो मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए यह एक धागा है और इसमें न्यूक्लियोसाइड इस प्रकार के मोतीनुमा आकार में ऐसे इसमें जड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से संरचना जो होता है यह होता है पॉलीन्यूक्लियोसाइड की, और यहाँ पर एक ये जो संरचना है मोती जैसे इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो एक न्यूक्लियोसाइड यह हुआ, एक न्यूक्लियोसाइड यह हुआ, तो इसके बीच में जो बांड पाया जाता है वह पाया जाता है फास्फोएस्टर बांड। फास्फोएस्टर बांड इसके बीच में पाया जाता है। यहां पर अब ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड हैं, तो ढेर सारे न्यूक्लियोसाइड को मिला करके बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोसाइड। और जो पॉलीन्यूक्लियोसाइड से बनता है वह बनता है डीएनए, वह बनता है आरएनए, और ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं न्यूक्लियोसाइड की संरचना के बारे में और न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में, इन दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है, इसमें दो प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक होता है पेंटोज सुगर, और एक होता है नाइट्रोजनी बेस। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें तीन प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। एक होता है पेंटोज सुगर, एक होता है नाइट्रोजनी बेस, और एक होता है फास्फेटी ग्रुप। इसमें तीन अवयव पाए जाते हैं, इसमें दो अवयव पाए जाते हैं, पेंटोज सुगर नाइट्रोजनी बेस। फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो पेंटोज सुगर का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है। पहले हम लोग आइए मान लेते हैं पेंटोज सुगर डीएनए व आरएनए में दोनों पाया जाता है। तो हम लोग पहले डीएनए में जानते हैं। तो पेंटोज सुगर का संरचना कुछ इस प्रकार से होता है डीएनए में। यहाँ पर ओएस समूह जुड़ा रहेगा तथा यहाँ से एक ऐसे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे तथा यहाँ से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, यहाँ से ओएस समूह जुड़ा रहेगा, यहाँ से CH2OH। इस प्रकार से डीएनए में संरचना होता है पेंटोज सुगर का। और अब आइए हम लोग आरएनए में पेंटोज सुगर का संरचना जानते हैं। तो आरएनए में पेंटोज सुगर का संरचना इस प्रकार से होता है। मान लीजिए यह पेंटोज सुगर हो गया, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी OH और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन व OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH।
तो यह किसमें पाया जाएगा पेंटोज सुगर? आरएनए में, या पेंटोज सुगर किसमें पाया जाएगा? डीएनए में। तो हम लोग डीएनए में पेंटोज सुगर को पढ़ेंगे, ना कि आरएनए में पढ़ेंगे, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड होते हैं वह डीएनए में पाए जाते हैं। तो इसलिए हम लोग डीएनए में पेंटोज सुगर को पढ़ेंगे, आरएनए वाले पेंटोज सुगर को नहीं पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियोसाइड की संरचना होता है, इसमें दो ही अवयव पाए जाते हैं, एक होता है पेंटोज सुगर, एक होता है नाइट्रोजनी बेस। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से होता है, यह ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर यह पेंटोज सुगर का संरचना हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को हटा करके यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हो गया नाइट्रोजनी बेस, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा OH ग्रुप। अब एक हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो यह किसका संरचना हो गया? यह संरचना हो गया न्यूक्लियोसाइड का। अब आइए हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा? फास्फेटी समूह पाया जाएगा, पेंटोज सुगर पहले पाया जाएगा। तो पेंटोज सुगर का संरचना इसमें भी यही वाला होने वाला है। और इसमें जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरीन, एक होता है प्यूरीन और एक होता है पीरीमिडीन। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पीरीमिडीन। जो प्यूरीन होता है, इस यह डीएनए व आरएनए दोनों में सेम रहता है, डीएनए हो या आरएनए हो। इसमें क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन। इसमें दो प्रकार के नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, जो प्यूरीन होता है या डीएनए या आरएनए दोनों में जो प्यूरीन होता है वह सेम होता है, और जो पिरिमिडीन होता है इसमें डीएनए में अलग नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है और आरएनए में अलग नाइट्रोजनी बेस पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है साइटोसिन व थाइमिन, और जो आरएनए होता है इसमें साइटोसिन तो पाया जाता है लेकिन थाइमीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल हो जाता है, थाइमीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल हो जाता है। तो पिरिमिडीन में डीएनए साइटोसिन व थाइमीन, और आरएनए साइटोसिन व यूरेसिल। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड के किस अवयव के द्वारा जो होता है डीएनए अलग होता है, तो पिरिमिडीन के द्वारा डीएनए को अलग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए में साइटिन व थाइमिन, साइटोसिन व थाइमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में साइटोसिन व यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ से आरएनए अलग हो जा रहा है, डीएनए अलग हो जा रहा है, लेकिन प्यूरीन में डीएनए व आरएनए सेम होता है। तो पिरिमिडीन के द्वारा डीएनए को अलग किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए में साइटोसिन व थायमिन पाया जाता है, यहाँ पर साइटोसिन व यूरेसिल पाया जाता है। फिर यहाँ पर एक और ग्रुप आ गया, फास्फेटी ग्रुप, जिसका सूत्र होता है H3PO4, और इसका संरचना आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक फास्फोरस है, तो फास्फोरस को सेंट्रल एटम मानते हैं, यह हो गया फास्फोरस। फास्फोरस के बाएं कोश में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, तीन ऑक्सीजन हो गया, चार ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ऐसे नहीं आए, सीधा बना देते हैं, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और इनके इनके बीच एकल बॉन्ड होगा और इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जो H3PO4 का संरचना होता है वह इस प्रकार से होता है। तो अब न्यूक्लियोटाइड का संरचना किस प्रकार से होता है, आइए ये जानते हैं। तो यहाँ पर पेंटोज सुगर है, तो आइए पेंटोज सुगर को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया पेंटोज सुगर, या हो गया अब पेंटोज सुगर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनी बेस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? OH हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? CH2OH। अब जो यह फास्फेटी ग्रुप है, फास्फेटी समूह है, वो यहीं पर आकर के जुड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आइए इसे साफ कर देते हैं इतना, तब समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह हो गया पेंटोज सुगर का संरचना इस प्रकार से, ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर पेंटोज सुगर का संरचना बन गया, यह हो गया। अब यहां पर क्या हो गया? नाइट्रोजनी बेस हो गया, यहां पर क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया, यहां पर क्या हो गया? OH समूह हो गया,
यहां पर हो गया CH2OH। अब क्या करेगा, यह फास्फेट ग्रुप यहीं पर आकर के जुड़ेगा। तो मान लीजिए यह क्या हो गया, फास्फेट ग्रुप हो गया, यहां पर एक बॉन्ड OH, फिर यहां पर सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर सिंगल बॉन्ड OH, यहां पर डबल बॉन्ड O। तो आप देखिए यहां पर दो OH हैं, तो यहां से H2O रिलीज हो जाएगा, H2O यहां से रिलीज हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट संरचना कैसे बनेगा, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, यहां पर क्या हो गया नाइट्रोजनी बेस हो गया, यहां पर हो गया हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पर क्या हो गया CH2, यहां पर डबल, यहां से क्या किया हाइड्रोजन, यहां से क्या किया ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को निकल लेकर निकल गया, तो यहां से जल जो है बाहर चला गया। तो अब यहां पर एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, यहां पर P डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, यहां पर OH। तो जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है, और जो न्यूक्लियोसाइड की संरचना होता है वह इस प्रकार से होता है। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज सुगर व नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें पेंटोज सुगर नाइट्रोजनी बेस व फास्फेट ग्रुप पाए जाते हैं, यह इसमें अंतर होता है। और इसका संरचना इस प्रकार से होता है, और न्यूक्लियोसाइड की संरचना इस प्रकार से होता है। न्यूक्लियोसाइड मिलकर के पॉली न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोसाइड मिलकर के डीएनए व आरएनए बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए न्यूक्लियोसाइड व न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।